हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो दोबारा बना रहा हूँ रिसोर्सेज पर ही, ये पार्ट टू है। लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जनरल के बारे में और इक्विपमेंट्स के बारे में। मैं जल्दी कोशिश की ख़त्म करने की वीडियो, मगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम मिला उस वीडियो को मैंने कम्प्लीट किया। तो आज मैं दोबारा ये रिकॉर्डिंग करके, तो ये दोनों वीडियो इकट्ठी आज डालूँगा मैं, एक एक करके अपलोड कर दूंगा। पहले मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूं और बाद में अपलोडिंग करता हूं, जब भी मुझे टाइम मिलता है पहले रिकॉर्डिंग करके रख लेता हूं मैं। तो आज के पार्ट टू में मैं आपको बता दूं कि आपको लास्ट में क्या चाहिए। रिसर्च में जाएं आप, तो आपको रिसर्च में ये जो रिसर्च है ये आपको कम्प्लीट करनी है रिसोर्सिस के लिए। ये प्रोडक्शन है आपकी सिटी में, वो बढ़ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं आपकी सिटी में प्रोडक्शन यहाँ पे थी, फूड प्रोडक्शन वो बढ़ गई। यहाँ पे फार्म जो है आपके, सॉरी सौ मिल है जिसमें आपके लकड़ी बनती है। अब आपको नीचे आ जाएं, आप ये देखेंगे ये सामान जो है फूड निकालने की स्पीड 10% यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे लकड़ी निकालने की बढ़ जाएगी। और ये है इंक्रीज आवरली प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है सिटी की, स्टोन्स की, पत्थर की, और ये है आयरन की, लोहे की। तो ये आ गया आप इंक्रीज आवरली प्रोडक्शन, यहाँ पे भी है। ये रहा इंक्रीज रिसोर्सिस गैदरिंग मार्च स्पीड, जो आप सामान निकालने जाएंगे तो उसके मार्च स्पीड जो है बढ़ जाएगी, ये लोड बढ़ जाएगा यहाँ पे। ये भी प्रोडक्शन सिट, ये गैदरिंग है, यहाँ पे गैदरिंग है स्टोन्स की, सॉरी मैंने वो आपको आयरन का बताया, ये स्टोन गैदरिंग है, ये प्रोडक्शन है लेफ्ट साइड पे। ऊपर इन्होंने सिस्टम ऐसे दिया है कि पहले प्रोडक्शन दी हुई है दोनों में, तो नीचे दी हुई गैदरिंग। चलो आगे चलते हैं। आप यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड गैदरिंग आयरन की वर्ल्ड मैप में। तो ये रिसर्चेस आपको पूरी करनी है, तो सभी रिसर्च पूरी करने से पहले सलाह दूंगा ये ज़रूर आप कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपका कम टाइम कंज्यूम होगा रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। तो 70% जो है टेक्नोलॉजी की स्पीड मेरी बढ़ी हुई है इसकी वजह से, जिससे कि मेरे कम स्पीड अब लगते हैं रिसर्च करने वाले। तो आप जब अपने एकेडमी को बढ़ाएंगे तो आप ये रिसर्च ज़रूर कंप्लीट कर लें। आगे आ जाएं, एक और बात आपको बता दूं, जब भी आप सामान निकालने जाएं अपनी सिटी पर क्लिक करें, सिटी बफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लेवी के ऊपर, गोल्ड लेवी है ना यहाँ पे, ये ले लेते चलो, तो इसके ऊपर जो है सिटी बफ लिखा हुआ है, इंक्रीज ऑल रिसोर्सिस गैदरिंग स्पीड। ये सभी के पास आइटम्स मिलती हैं, या फिर ये पर्पल कलर में होगी या ये ऊपर ऑरेंज कलर में होगी, तो इन दोनों में से आप देख ले कौन सा आपने करना है। ये 50% बढ़ा देगा स्पीड सामान निकालने की 8 घंटे के लिए, और ये बढ़ा देगा ऊपर वाला जो है 24 घंटे के लिए। तो आपके पास जो भी है यूज़ कर लें, और साथ में अपनी सिटी की प्रोडक्शन को मत रोकना, ये भी आप कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको यहाँ पे जाके बता देता हूँ, आइटम्स में जाएंगे तो स्पीड में जाएंगे, यहाँ पे आपको ये आइटम मिल जाती हैं, तो इनको कंपोज करके हाई लेवल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये जो है आप क्लिक करेंगे तो कम स्पीड होगी, इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, ये 200% बढ़ा देता है। तो ये नॉर्मल स्पीड बढ़ाएगा, यूज़ डबल फार्म प्रोडक्शन होगी यहाँ पे डबल, पर इसकी हो जाएगी इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन 200% 8 घंटे के लिए। हर 8 घंटे के लिए आपको ये अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसको अपग्रेड करने के लिए आप कंपोज कर लें, जैसे हम कंपोज करते हैं चीज़ों को हाई लेवल में कन्वर्ट करके। अब इनको क्या करें, यूज़ कर लें। तो आप सिटी बफ पे भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें रह गई थी मैंने आपको ज़रूरी बतानी थी,
जो दो दूसरे पार्ट में ही पॉसिबल था, क्योंकि पहला पार्ट तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, 26 शायद 26 मिनट तक हो गया, अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये रिसर्च कंप्लीट कर लें और अपने ये जो है आइटम्स को यूज़ ज़रूर करें अगर आपके पास पड़ी हुई हैं आइटम बॉक्स में। सो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये किंग्स प्रोडक्शन जो है ऑफर, ये प्रोटेक्शन जो है ये वाली मेरी एक्टिवेट है, आपके पास शायद ये वाला होगा बेसिक, तो ये भी आप डबल सिटी प्रोडक्शन स्पीड यहाँ पे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 20 बार ऑफ़र करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जेम्स यूज़ कर लें। ऑफ़र कैसे करना है मैंने ये भी वीडियो बनाई थी पहले, आप चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इससे भी आपकी डबल सिटी प्रोडक्शन हो जाएगी, सिटी में जो सामान बनाने की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो 20 बार आप करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे 256 डेज इसलिए बता रहा है क्योंकि हम हर रोज़ मैं 20 बार करता हूँ, तो मुझे 256 दिन के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर मैं इसे एक्टिवेट करूं चाहे ना करूं, मेरी डबल प्रोडक्शन बनी हुई है, मैं हर रोज़ ऑफ़र करने की वजह से मेरे। तो ये ऑफ़र आइटम्स जो है, ट्रिब्यूट्स आइटम जो है, ये भी आपको रेलिक्स से मिल जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको जेम्स भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेलिक्स से आपको ये आइटम्स आसानी से मिल जाएंगी। कहाँ गया आपको लिस्ट में बता देता हूँ अभी, मैं शायद यहीं पर हो गया आइटम को, मैं मिस कर गया, ऊपर चलेगी। ये रहे, तो ये तरीके हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 2, रिसोर्सिस गैदरिंग स्पीड और रिसोर्सिस गैदरिंग एक्स्ट्रा गैदरिंग आप कह लें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड वन और बेस्ट ऑफ लक आपकी गेम के लिए।